मैं आया तुमसे मिलने, कीर्तन में आया। आज हमारी जरूरत नहीं है, आज भगत मन से बुला रहे हैं। कीर्तन में आया मैं आया तुमसे मिलने, अभी बिना आवाज कम है, बहुत ज्यादा कम है। एक बार तन से नहीं मन से गाकर देखो, अगर आवाज ठाकुर तक ना पहुंची तो मेरा नाम बदल देना। एक बार गाओ, कीर्तन में आया मैं आया तुमसे मिलने, कीर्तन में दिल के बदले में दिल का नजराना लेने, दिल के ये मत सोचो कि कम बैठे हो, लेकिन एक एक सौ सौ शेर के बराबर होता है, पता है ना, आवाज आने दिए ना। कीर्तन में आया मैं आया तुमसे मिलने, कीर्तन दिल के बदले में दिल का नजराना लेने, दिल के बदले में। और कैसे बुलाओगे, मेरी ये धड़कन क्या बोले, ऐ सुन 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 क्या। सांवरिया घर आओ, सांवरिया घर आओ, सांवरिया घर। और अच्छा एक बात बताओ, अगर बात मान ली बाबा ने कि मैं तैयार हूं चल लेकर चल, फिर कैसे लेकर जाओगे, है कोई तरीका? मैं बताऊ क्या तरीका है। मेरी अखिया करे इंतजार सांवरे, मेरी इंतजार। कैसे लेकर जाओगे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे। आज कौन कौन लेकर जाएगा बाबा को, वो हाथ उठा लेना बिल्कुल सीधा, जो लेकर जाएगा पक्की हवाली हाजिरी लिखवाएंगे, बिल्कुल सीधे हाथ उठा कर कह देना, अरे पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे। मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे। ऐसे नहीं होगा प्यार, उठा लो लंबे लंबे हाथ, एक बार ताली की सेवा नहीं चाहिए, एक दो तीन। कलयुग का राजा खाटू नरे, अरे प्यारा सामु पीड़ा घुंघरा ले गए, अरे कलयुग का राजा खाटू नरे। हरे का सहारा कि तू मुझे हरियाणा में क्यों बुलाता, तू खाटू आ जा। मैं बोला बाबा अभी तो मंदिर नहीं खुला, लेकिन जब मंदिर खुल जाएगा तो पता क्या होगा। बाबा बोला क्या, अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता, खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता, अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता, खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता। सही बता रहा हूं, खाटू में 16 लाइनें चलेगी, और 16 लाइनें में जब दर्शन होंगे तो 1.5 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए बाबा को बोला कि बाबा
अरे खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता। खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता। और जी भर कर मैं देख न पाता जब भी बाबा सजता। जी भर के मैं देख न पाता जब भी बाबा सजता। दरबार प्यारा लग रहा है बाबा का तो हाथ उठा दो और कहना बाबा को कि पापा जी भर कर करूंगा दीदार सावरे। 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 मुझे लगता है अब कंपटीशन की बात आ गई है। अभी मत बोलना मेरे भाई बोलेंगे सिर्फ। देखो मुझो का सवाल है आवाज आनी चाहिए। अरे पलकों का गए देखो कितने बैठे हैं सिर्फ कम बैठे हैं। आपकी तो बहुत ज्यादा संख्या है आपकी भी आवाज आनी चाहिए। मेरे भाई ना बोले आपकी आवाज आनी चाहिए। अरे पलकों का घर मुझे लग रहा है कंपटीशन कराते रहना चाहिए। ये बेलन आज पता लग रहा है घर नहीं चलता बाहर भी चलता है। एक मौका और दे रहा भाइयों देखो पूरी जोरदार आवाज आनी चाहिए। अरे पलकों का घर मेरे ख्याल से 15 से 20 बैठे उनकी आवाज वहां से वहां जा रही है आपकी आवाज सिर्फ यहाँ तक आ रही है। एक बार आप गाओगे अरे पलकों का घर। एक इंसान गाड़ी में चढ़ा ऊपर से आवाज आई एक्सीडेंट हो जाएगा वापिस उतर गया। रेलगाड़ी में चढ़ा ऊपर से आवाज आई पटरी से उतर जाएगी वापिस उतर गया। एरोप्लेन में चढ़ा ऊपर से आवाज आई क्रैश हो जाएगा वापिस उतर गया। बोला भाई साहब एक बात बताओ जब इतनी बार बचा लिया जब शादी करने के लिए गोड़ी चढ़ा तब क्यों नहीं बोला मर जाएगा वापिस उतर जाता है यार। उठा ले लंबे लंबे आज जो प्रभु को बुलाएंगे और क्या देना। अरे पलकों का घर तैयार साहब रे। अरे आंखों के असमंजन से मैं तेरे चरण पखारूं। पलकों की कंघी से बाबा तेरे बाल संवारूं। पलकों की कंघी से बाबा तेरे बाल संवारूं। लेकिन बाबा इन सब के लिए भी मौका सेवा को दे एक बार सांवरे। मौका सेवा एक बार सावरे। कौन कौन लेकर जाएगा आज बाबा को वो उठा लेना लंबे लंबे हाथ और क्या देना। अरे पलकों का घर तैयार सावरे। पलकों का घर तैयार सावरे। चल पड़ा है यही खड़ा है यही खड़ा है यही खड़ा है यही खड़ा है और यही खड़ा है यही खड़ा है यही खड़ा है वो नीले घोड़े वाला बाबा यही खड़ा है। यही खड़ा है यही खड़ा है यही खड़ा है वो नीले घोड़े वाला बाबा यही खड़ा है। आएगा 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 नीले घोड़े सांवरा। तो बड़ा कृपालु है।
बोलिए श्याम प्यारे की जय।